गणेशपेट बस स्टैंड के पास स्वाद व अंबिका दो होटल चलते हैं। शाम होते ही होटल की टेबल कुर्सियां बाहर लगा दी जाती हैं। सोमवार को भी हमेशा की तरह स्वाद व अंबिका के दो होटलों की टेबल कुर्सियां सार्वजनिक जगह पर रखी गई थी। इस दौरान अचानक ही सोशल मीडिया पर टेबल कुर्सियां फेंकने का सिलसिला शुरू हो गया। फिलहाल यह वायरल वीडियो देखने पर वरिष्ठ अधिकारियों ने इस मामले के जांच के निर्देश दे दिए हैं। गणेशपेट थाने के कुछ पुलिस कर्मियों ने गणेशपेट बस स्टैंड के पास संचालित होटल अंबिका की टेबल कुर्सियां फेंकने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो को लेकर आरोप भी लगे हैं कि पुलिस गुंडागर्दी कर रही है। मामला गणेशपेट थाने पहुंचने के बाद वायरल वीडियो पर वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि इसके जाँच के निर्देश दिए जा चुके हैं। सदर बाबत काल दिनांक 7/11/2022 रोजी रात्रि तक्रारदार नामे दुर्वास भास्कर कुर्वे यांनी समक्ष पोलीस ठाण्यात येऊन तक्रार दिलेली आहे। ते आरके एंटरप्राइजेस या ठिकाणी काम करतात। आरके एंटरप्राइजेसच्या दुकानात जाण्यासाठी जी छोटीशी गल्ली आहे त्या गल्लीच्या बाहेरील बाजूस स्वाद हॉटेल, विक्की मंगलवार यांचे स्वाद हॉटेल आणि दुर्गा प्रसाद पांडे यांचे अंबिका अशोक हॉटेल हे दोन हॉटेल आहेत। आणि हे दोन्ही हॉटेलचे मालक आपले हॉटेलचे सामान यांच्या रस्त्यावर लावून त्यांचा रस्ता अडवत आहेत। नेहमीचे ते नेहमी त्या आरके एंटरप्राइजेसचे मालक नेहमीच नमूद दोन्ही हॉटेल मालकांना विनंती करतात, मात्र ते त्यांना जाण्यायेण्यास अडथळा निर्माण करतात, जागा देत नाहीत। यावरून त्यांच्या मालकांना कॉल केल्याप्रमाणे आमची बीट मार्शल सदर ठिकाणी पोहोचली, मात्र तरीही ते दोनही हॉटेल मालक आपले सामान बाजूला घेण्यास तयार नव्हते। त्यावरून आमचे सीआर मोबाईल सदर ठिकाणी पोहोचले आणि आमच्या पोलिसांनी तिथे गेल्यानंतरही यांना समजून सांगण्याचा प्रयत्न केला, मात्र दोन्ही हॉटेल मालक आपले सामान बाजूला घेण्यास तयार नव्हते। त्याप्रमाणे आमच्या पोलिसांनी सदरचे सामान बाजूला करून आरके एंटरप्राइजेस जे तक्रारदार आहेत त्यांचा येण्याजाण्याचा मार्ग मोकळा करून दिलेला आहे। त्यावरून दुर्वास भास्करराव कुर्वे यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून नमूद दोन्ही हॉटेल मालकांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केलेला आहे। पुढील चौकशी चालू आहे। पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिलने पर बीट मार्शल वहां पहुंचे थे। होटल के बगल में ही पुलिस कंट्रोल रूम को फोन करने वाले का ऑफिस है। दोनों होटलों के मालिक ने सार्वजनिक जगह पर अतिक्रमण कर फोनकर्ता का आने जाने का रास्ता तक बंद कर दिया है। फोनकर्ता के कर्मचारी से पूछताछ की तो उन्हें धमकाया जा रहा है और ऐसी जानकारी मिलने पर बीट मार्शल के दो कर्मचारी वहां पहुंचे, लेकिन दोनों होटल के मालिक टेबल कुर्सी हटाने को तैयार नहीं थे। उनका सामान पुलिस ने बाजू में किया। इस दौरान पुलिस के साथ हुई नोकझोंक का किसी ने वीडियो वायरल कर दिया। बहरहाल इस मामले में दोनों ही पक्षों की तरफ से देर रात तक आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। एनबीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।